हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे समतलीय बलों के रिजोल्यूशन के बारे में, यानी कि कोई बल दिया हुआ है तो उसको उसके घटकों में विभाजित करना कैसे करते हैं, उसका रिजोल्यूशन किसे कहते हैं वो पढ़ेंगे। रिजोल्यूशन ऑफ ए फोर्स, किसी भी दिए हुए बल को उसके किसी भी डायरेक्शन में कई घटकों में विभाजित करने की प्रक्रिया को बल का वियोजन कहते हैं। जैसा कि इस डायग्राम में दिया गया है, ओ बिंदु पर कोई बल आर कार्य कर रहा है। इसको दो डायरेक्शन अल्फा और बीटा कोण पर, जिनके मान पी और क्यू हैं, दो घटकों में बांटने की प्रक्रिया को बलों का वियोजन कहते हैं। बलों का वियोजन जनरली बलों के संयोजन की प्रक्रिया के विपरीत होता है। बलों के संयोजन में हमने पढ़ा था कि उसमें दो या दो से अधिक बलों दिए हुए होते हैं तो उनका रिजल्टेंट, उनका परिणामी बल क्या होगा वो ज्ञात करते थे। लेकिन बलों के वियोजन में हम कोई बल दिया हुआ है तो उसको कई घटकों में बांटते हैं, विभाजित करते हैं। तो इसलिए बल का वियोजन बल के संयोजन की प्रक्रिया के विपरीत होता है, यानी रिवर्स प्रोसेस होता है। टाइप्स ऑफ रिजोल्यूशन, दो तरह के रिजोल्यूशन होते हैं। ऑब्लिक रिजोल्यूशन, जिसको हम हिंदी में तिर्यक वियोजन कहेंगे। इस वियोजन में हम किसी भी दिए हुए बल को किसी भी रैंडम दो डायरेक्शन में विभाजित करते हैं। जैसा कि ओ बिंदु पर कार्यरत आर बल को कोई भी रैंडम दो डायरेक्शन अल्फा और बीटा में वियोजित कर दिया है। इस तरह के वियोजन को हम ऑब्लिक वियोजन कहेंगे। नेक्स्ट है रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन, समकोणीय वियोजन। इस वियोजन में हम बल को दो परस्पर लंबवत दिशाओं में वियोजित करते हैं। जैसा कि इस डायग्राम में दिया हुआ है, आर बिंदु पर ओ बिंदु पर आर बल को दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन जो पी और क्यू से दिखा रखे, इन दो घटकों में इसको विभाजित किया गया। इस तरह के वियोजन को हम रेक्टेंगुलर वियोजन के रिजोल्यूशन कहते हैं। ऑब्लिक रिजोल्यूशन, जैसा कि इस डायग्राम में दिखा रखा है, ओ बिंदु पर आर बल कार्य कर रहा है ओ बी डायरेक्शन में। इसको हमने दो डायरेक्शन ओ ए जो कि आर से अल्फा एंगल पर है और ओ सी जो कि आर से बीटा एंगल पर है, इन दो डायरेक्शन में इस आर बल के दो घटक हमें ज्ञात करने, जिन ओ ए डायरेक्शन में पी है और ओ सी डायरेक्शन में क्यू से दिखा रखा है इस घटक को। इसको समानांतर चतुर्भुज में कन्वर्ट किया हमने डैश लाइन से, तो हमारे पास त्रिभुज ओ ए बी में एंगल अल्फा एंड एंगल ए बी ओ बराबर एंगल बीटा है और ओ ए एंगल ओ एस बी बराबर हो जाएगा 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा। अब इस त्रिभुज ओ ए बी में त्रिभुज नियम से ओ ए अपॉन साइन बीटा बराबर ए बी अपॉन साइन अल्फा बराबर ओ बी अपॉन साइन 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा। यहाँ पर ओ ए पी है और ए बी बराबर क्यू है और ओ ए ओ बी बराबर आर है। तो इन तीनों की वैल्यू पुट करने पर पी अपॉन साइन बीटा बराबर क्यू अपॉन साइन अल्फा बराबर आर अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा। साइन 180 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है, इसलिए थर्ड टर्म जो है हमारी आर अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा हुई। किन्हीं दो घटक फर्स्ट और थर्ड भाग को पार्ट को हमने कंबाइन किया तो हमारे पास पी की वैल्यू आ जाती है आर साइन बीटा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा, और सेकंड और थर्ड टर्म को हमने कंबाइन किया तो हमारे पास क्यू की वैल्यू आ जाती है आर साइन अल्फा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा। ये दोनों पी और क्यू इस आर के अल्फा और बीटा एंगल, क्रमशः अल्फा और बीटा कोण पर दो इस घटक हैं इस बल आर के। रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन, जैसे कि डायग्राम में दिखा रखा है, ओ बिंदु पर कोई बल आर कार्य कर रहा है। इसको हमने दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में P और Q दो घटकों से दिखा रखा है।
इस केस में हमारे पास अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री होगा, तो बीटा बराबर हो जाएगा 90 माइनस अल्फा। इन दोनों वैल्यू अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 और बीटा बराबर 90 डिग्री माइनस अल्फा, ये दोनों वैल्यू इन दो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में पुट करने पर हमारे पास पी की वैल्यू हो जाएगी पी बराबर आर साइन बीटा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा बराबर साइन बीटा की वैल्यू, बीटा की वैल्यू हम 90 डिग्री माइनस अल्फा रखने पर साइन 90 माइनस अल्फा अपॉन और अल्फा प्लस बीटा बराबर हमारे पास 90 डिग्री है, 90 पुट कर दिया इस इक्वेशन में, बराबर आर कॉस अल्फा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, इसलिए हमारे पास पी बराबर हो गया आर कॉस अल्फा। इसी तरह क्यू की इक्वेशन में पुट करने पर वैल्यू क्यू बराबर आर साइन अल्फा। तो जब भी कोई बल दिया हुआ है उसको दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम वियोजित करते हैं, तो जो बल दिया हुआ कौन जिस बल के साथ जिस घटक के साथ कौन बनाता है बल, वो घटक कॉस कंपोनेंट होगा और दूसरा वाला घटक साइन कंपोनेंट होगा। तो इसलिए हमारा पी कंपोनेंट हो गया आर कॉस अल्फा और क्यू कंपोनेंट हो गया आर साइन अल्फा। प्रिंसिपल ऑफ रिजोल्यूशन, ये प्रिंसिपल कहता है कि किसी भी दूसरी डायरेक्शन में बल की वियोजित भागों का बीजगणितीय योग उसी दिशा में उन बलों के परिणामी बल के वियोजित भाग के बराबर होता है। यदि किसी बिंदु पर किसी बिंदु पर कई सारे बल कार्य कर रहे हैं तो किसी भी डायरेक्शन में उन सभी बलों के घटकों का योग उन सभी बलों के परिणामी बल के उस डायरेक्शन में वियोजित भाग के बराबर होगा। धन्यवाद।